हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी हम देखेंगे CR66 सब पार्ट बी एंड सब पार्ट सी। अभी तक हमने देखा कि सब पार्ट ए दैट इज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट विच इज एप्लीकेबल फॉर द एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। अभी CR66 सब पार्ट बी है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट अदर देन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, बलून और एन एयरशिप, इनके लिए सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, बलून और एयरशिप को सर्टिफाई कौन करेगा? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस हैविंग कैटेगरी ए, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B3 और एन ऑथोराइज पर्सन सब्जेक्ट टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स विच इज स्पेसिफाइड इन द रिलीवेंट CR। तो सर्टिफाई कर सकता है माइक्रोलाइट को, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को, ग्लाइडर को, बलून को और एयरशिप को। नाउ सब पार्ट सी। सब पार्ट सी क्या है? कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है, कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज सब पार्ट सी। अभी सब पार्ट सी के लिए या कंपोनेंट सर्टिफाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? नॉलेज की, कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कितना एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम कौन सी होगी और क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन मिलने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, दैट ऑल प्रोसीजर इज गिवन इन सब पार्ट सी कंपोनेंट ऑफ द CR66। अभी सिंपल है, सब पार्ट ए इज एप्लीकेबल फॉर द एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, सब पार्ट बी इज एप्लीकेबल फॉर द एयरक्राफ्ट अदर देन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर एंड सब पार्ट सी इज एप्लीकेबल फॉर द components. So minimum requirements of knowledge, training, experience, examinations and procedure for the issue of authorization by CR 145 or CRM subpart of organization to certifying staff in their organization. For the maintenance and certification of component, aircraft maintenance as per manufacturer maintenance data. तो इसमें सब पार्ट सी में रिक्वायरमेंट्स दी है, अगर किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को, सर्टिफाइंग स्टाफ को अगर ऑथोराइजेशन इशू करना है CR 145 CREM सब पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, दैट ऑल इज गिवन इन सब पार्ट सी कंपोनेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स, एज शुड बी 18 ईयर्स। अगर आप कंपेयर करते हैं लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड कंपोनेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट, देन लाइसेंसिंग के लिए जो एज क्राइटेरिया था दैट इज 18 ईयर्स एंड यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए, कंपोनेंट सर्टिफिकेशन के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज 21 ईयर्स। यहाँ पे 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा, दैट इज डिप्लोमा और डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ इसके बाद रिक्वायरमेंट दी है CR66 लाइसेंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी, CR66 लाइसेंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी या फिर 3 ईयर्स बेसिक AME ट्रेनिंग कोर्स। ओके, मतलब या तो आपके पास में अप्रोप्रिएट कैटेगरी दैट इज B1.1, B1.2, 1.3, 1.4, B2, B3 इसका अप्रोप्रिएट कैटेगरी का लाइसेंस हो, या फिर सिर्फ अगर आपका 3 ईयर्स का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोर्स होगा, या फिर डिप्लोमा है, या फिर डिग्री आपने की है इन अप्रोप्रिएट ब्रांच और आपने जो भी CR66 में अप्लीकेबल मॉडल्स है, सपोज फॉर B1.1 कैटेगरी देर आर 11 मॉडल्स एंड B2 कैटेगरी के लिए 10 मॉडल्स है, तो जो भी अप्रोप्रिएट कैटेगरी के लिए जो रिलीवेंट मॉडल्स है वो आपने पास किए है, देन आप एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए, देन आप एलिजिबल हो। तो रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, आपका 10+2 PCM में होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट दी है इन्होंने CR66 लाइसेंस होना चाहिए। इफ़ अगर आपके पास में CR66 का लाइसेंस नहीं है तो आपका 3 साल का सिर्फ AME ट्रेनिंग कोर्स या फिर डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके जितने भी रिलीवेंट पोर्शंस ऑफ मॉडल्स है या रिलीवेंट मॉडल्स ऑफ द CR66 इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल B1.1 के लिए 11 से, B2 के लिए 10 मॉडल्स है, वो मॉडल्स पास होने चाहिए और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये सब रिक्वायरमेंट कहा होगी जो CR 145 ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन में दी होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन होगी वो एग्जामिनेशन पास आप करोगे, आपको करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट दी है किसके लिए? कंपोनेंट मेंटेनेंस। नाउ इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स दी है। ठीक है, अब ये तो जनरल रिक्वायरमेंट्स हो गई, नॉलेज रिक्वायरमेंट्स हो गए, अब इसके बाद में
ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में क्या है, अगर आप कंपोनेंट का कोई मेंटेनेंस आप सर्टिफाई कर रहे हो और कंपोनेंट, तो पर्टिकुलर उस कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर से आपको ट्रेनिंग की होनी चाहिए आपने, या फिर कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए अप्रूव्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग की होनी चाहिए, या फिर आपको उस पर्सन ने ट्रेन किया होना चाहिए, उस पर्सन ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की होनी चाहिए जो ऑलरेडी 2 साल से अपना अप्रूवल यूज़ कर रही है, जो 2 साल से जिसके पास में अप्रूवल है कंपोनेंट सर्टिफिकेशन का, देन ही कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई ट्रेनिंग की, मतलब या तो मैन्युफैक्चरर से आपको ट्रेनिंग की होनी चाहिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग की होनी चाहिए जो कि ट्रेनिंग देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अप्रूव्ड हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन से आपने ट्रेनिंग ली होनी चाहिए जिसके पास में वो स्पेसिफिक अप्रूवल है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, अब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, अभी जैसे मान लीजिए CR66 लाइसेंस होल्डर या फिर नॉर्मल डिग्री डिप्लोमा या फिर AME कैंडिडेट भी क्या कर सकता है, कंपोनेंट मेंटेनेंस सर्टिफाई कर सकता है, डिपेंडिंग कि उसके पास कितने मॉड्यूल्स है, ट्रेनिंग की है क्या है। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सपोज एक कैंडिडेट CR66 AME लाइसेंस जिसके पास में है और वो कंपोनेंट सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा है, तो उसके लिए टोटल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है 1 ईयर का एंड रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 मंथ्स। और अगर वही डिप्लोमा डिग्री होल्डर होगा देन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 6 मंथ्स विल बी द रिसेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो AME कैंडिडेट है, लाइसेंस होल्डर है, तो उसके लिए कम रिक्वायरमेंट है, और डिग्री डिप्लोमा वाला है तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, अगर मान लो स्ट्रक्चरल रिपेयर या मॉडिफिकेशन को सर्टिफाई करना है तो उसके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और कंडीशन दी है कि उस 2 साल में उसने लास्ट के 6 मंथ में, या इसमें रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं दिया लेकिन इसमें क्या दिया है कि लास्ट के 6 मंथ में आपने किसी ऑलरेडी जो अप्रूव्ड पर्सन है उसके अंडर, उसके सुपरविजन में आपने 2 स्ट्रक्चरल रिपेयर कैरी आउट किए होने चाहिए इन द प्रिसीडिंग 6 मंथ। ये रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ दी स्ट्रक्चरल रिपेयर या फिर मॉडिफिकेशन। तो एक्सपीरियंस क्या हुआ, अगर लाइसेंस होल्डर है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 मंथ्स विल बी द रिसेंट, अगर डिग्री डिप्लोमा होल्डर है तो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ रिसेंट एक्सपीरियंस, और अगर स्ट्रक्चरल रिपेयर मॉडिफिकेशन का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, उसमें लास्ट के 6 मंथ में आपने किसी ऑलरेडी अप्रूव्ड पर्सन है उसके अंडर सुपरविजन में आपने 2 स्ट्रक्चरल रिपेयर कैरी आउट किए होने चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। नाउ इसके बाद में अब जो रिक्वायरमेंट दी है वो है कि मेडिकली फिटनेस। ठीक है, आप क्या होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, उसके लिए आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब ये सब होने के बाद में देयर विल बी कॉम्पिटेंसी चेक। ठीक है, और वो कॉम्पिटेंसी चेक होने के बाद में फिर आपको ऑथोराइजेशन वगैरह इशू हो जाता है। अब इसमें बोल रहा है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा। ठीक है, अभी सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन आपको चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, और उस इंडिविजुअल कैंडिडेट को असेसमेंट करना है आपको, असेसमेंट उसकी कैरी आउट करनी, तो उसके लिए असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, यह सब कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन में। वाई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन में, बिकॉज जो भी सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन इशू करता है वो कौन करता है, CR145 ऑर्गेनाइजेशन या CREM सब पार्ट F ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसीलिए उसके MOE में उसकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर ऑथोराइजेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, फिर एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी किसमें, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन ऑफ CR145 ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक्सटेंशन टू स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन। मान लो आपको एक ऑथोराइजेशन इशू हुआ है, सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन, और आपको आपका स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन एक्सटेंड करना है, लेकिन उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, सपोज यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रीम, दैट इज यू हैव द B1.1 कैटेगरी का कोई कंपोनेंट है, मैकेनिकल स्ट्रीम का कोई कंपोनेंट है, और उसी में कोई आप अपना स्कोप एक्सटेंड करना चाहते हो इन मैकेनिकल स्ट्रीम, देन सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और एडिशनली 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ऑन द टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसका आप स्कोप एक्सटेंड करना चाहते हो, जिस कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का आपको एक्सपीरियंस चाहिए 6 मंथ का। लेकिन अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, एडिशनल स्ट्रीम में
आप एक्सटेंड कर रहे हो अपना स्कोप ऑफ ऑथोराइजेशन, देन 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, आउट ऑफ विच 6 मंथ्स विल बी द रिसेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रीम मैकेनिकल टू मैकेनिकली आप स्कोप एक्सटेंड कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस लेना है एडिशनली ऑन द टाइप ऑफ कंपोनेंट। लेकिन अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, चाहे वो मैकेनिकल टू एवेनिक्स और एवेनिक्स टू मैकेनिकल हो, आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस है जिसमें से 6 मंथ आपका रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो कॉम्पिटेंसी है दैट शैल बेसिस बाय द ऑर्गेनाइजेशन आई मेंशन इन 205 में जैसे मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या होगी असेसमेंट कैरी आउट होगी, असेसमेंट लेंगे CR 145 ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी वो।